जो समय को सार्थक बनाता है वो समय की पूजा करता है। समय की सार्थकता ही समय की पूजा करना है। और समय समय होता है, किसी के बाप का नौकर नहीं होता है। नदी से जो जल, घाट से जो जल एक बार बह जाता है दोबारा लौट करके नहीं आता है। वक्त जो मुट्ठियों से बाहर निकल जाता है दोबारा लौट करके नहीं आता है। जुबान से जो शब्द बाहर आ जाता है वो दोबारा लौट करके नहीं आ जाता है। और धनुष से एक बार बाण निकल जाता है तो दोबारा लौट करके नहीं आता है। और जिंदगी के जो लम्हे एक बार गुजर जाते हैं दोबारा दस्तक देने नहीं आते हैं। जो गुजर गया वो गुजर गया, बचपना गुजर गया, आपका बचपना आपके लिए एक सपना बन गया, आपका खुद का बचपना आपके लिए एक सपना बन गया। ऐसा था वैसा था बचपन, ये वो फला डिका, ऐसा वैसा खेलते दिखाते थे पीते थे। वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। बच्चा छोटा होता है माँ से प्यार करता है, कुछ हजार रुपए भी दे तो मां को छोड़ता नहीं। बच्चा छोटा होता है मां से प्यार करता है, मां के इर्द गिर्द घूमता है, मां की गोद में रहता है, मां के आंचल में रहता है, कोई हजार रुपए दे तो भी मां को छोड़ता नहीं है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है खिलौने से प्रेम हो जाता है, मां बुलाती रहती है तब भी नहीं आता है। छोटा था बच्चा, छोटा था तो मां से प्यार करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो खिलौने से प्यार हो गया। अम्मा चिल्लाती है बेटा आ जा, बेटा आ जा, बेटा आ जा, बेटा आ जा, मुन्ना आ, मुन्ना आ, मां की नहीं सुनता है। प्रेम बदलता रहता है, प्रेम स्थायी नहीं, प्रेम शाश्वत नहीं, इसमें परिवर्तन होता है। बच्चा छोटा था माँ से प्रेम करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ से प्रेम कम हो गया, खिलौने से प्रेम हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हुआ दोस्तों से प्रेम हो गया, अब खिलौने पड़े, खिलौनों को कोई देखने वाला नहीं, वो छोटी सी साइकिल, वो छोटा सा गुड्डा, वो छोटी सी गुड़िया, अब माँ भी उसको उठा करके कहीं रख देती है। माँ भी समझती है अब इन खिलौने की, इस बच्चे की कोई महत्व नहीं है, उसको संभाल देती है। वो यहां वहां पड़े पड़े धक्का खा के खाते खाते जाते हैं, अब दोस्तों से प्रेम हो जाता है, फिर स्कूल कॉलेज जाना शुरू करता है तो पढ़ाई से प्रेम हो जाता है, फ्यूचर से प्रेम हो जाता है, अपने कैरियर से प्रेम हो जाता है, डिग्री लेकर के आता है, नौकरी मिल जाती है तो नौकरी से प्यार हो जाता है, नौकरी से प्रेम हो जाता है, और नौकरी करते करते फिर किसी छोकरी से प्रेम हो जाता है। प्रेम बदलता रहता है, प्रेम स्थायी नहीं होता है, प्रेम टिकता नहीं है। यह मनुष्य के मन का चरित्र है, इस मनुष्य के मन के चरित्र को समझ लेना। ये मन कब टिका है, ये मन कहाँ टिका है, ये मन किसका टिका है, टिकना इसके लिए मुमकिन नहीं है। नौकरी करते करते किसी छोकरी से प्रेम हो जाता है, किसी लड़की से प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है, माँ बाप उसका रिश्ता कर देते हैं, शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, घर में पत्नी आ जाती है, पत्नी से प्रेम हो जाता है, और पत्नी से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि माँ को ही भूल जाता है और बीवी के सामने ही माँ बाप को अपमानित करने लगता है। शास्त्रों में लिखा है जो गृहस्थी पत्नी का पक्ष रख करके माँ को अपमानित करता है उसके जीवन का सारा पुण्य क्षीण हो जाया करता है, उसका पुण्य खत्म हो जाया करता है। शास्त्रों का उल्लेख मुनि तरुण शाकर के मन का वक्तव्य नहीं, ये शास्त्रों का उल्लेख है कि जो गृहस्थी पत्नी का पक्ष रखते हुए, पत्नी का पक्ष रखते हुए बात बात पर माँ बाप को अपमानित करता है उसके जीवन का पुण्य क्षीण होकर के खत्म हो जाया करता है। प्रेम कहीं से चलता है और कहीं पहुंच जाता है। तो मन आदमी का मन पल पल में बदलता है, क्षण क्षण में बदलता है, इसलिए कभी मन में अच्छा संकल्प आए तो उसको कर लेना, सोचना नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, अरे करूंगा करूंगा करूंगा, है
तू रहेगा तभी करेगा ना। एक सज्जन आए, बोले मुनि जी कोई नियम करा दीजिए। उनका करो क्या करते, मुझे मालूम था ये आदमी मंदिर नहीं जाता है कभी। मैंने उसको कहा चलो ऐसा करना, हर रोज मंदिर जाते जाकर के 1 रुपया गुल्लक में डालना, दान पेटी मुक्त दान मिला। बोले ठीक है, स्वीकार किया। 4 दिन बाद जब वो आदमी आया, मैंने कहा वो नियम आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपने नियम दिया, मैंने अपने मन से नियम लिया है, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा मतलब आपने 4 दिन हो गए 4 रुपए डाले? नहीं नहीं डाले तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत करिए। मैंने कहा मतलब 4 दिन हो गए 4 रुपए नहीं डाले आपने, मतलब? बोले मतलब क्या मुनि जी, मैंने अपना अपना गणित बिठा लिया। मैंने कहा क्या गणित बिठाया? बोले महीने के आखिरी दिन 30 रुपए डाल दूंगा, महीने के आखिरी दिन 30 रुपए डाल। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू महीने की पहली ही तारीख में 30 रुपए डाल दे, महीना भर तू जिंदा रहे कोई जरूरी है क्या? कॉमन सेंस की बात है सुरेंद्र भाई, महीने भर निवेदन किया जाना चाहिए कि जब डालना किया तब डालना है। तो ऐसा क्यों विचार करता है कि महीने की आखिरी तारीख पर डाल दूंगा? ऐसा विचार क्यों नहीं करता है कि महीने की पहली ही तारीख पर एडवांस में ये 30 रुपए डाल दी। तो दो तरह के विचार होता है, एक सोचता है कि महीने की बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क है क्या? डालना तो 30 ही है लेकिन नजरिए में दोनों के फर्क है। कोई शुभ संकल्प आया आज कर, भजन करने का मन आया है आज कर लेना, कल का क्या भरोसा? कोई भजन करने का मन आता है, पुण्य करने का मन आता है, शुभ काम करने का मन आता है, कोई सेवा करने का मन आता है, कोई परमात्मा का काम करने का मन आता है, आज ही कर लेना। क्यों? कभी कभी ऐसा शुभ विचार मन में आता, हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, उसको भी आपने दबा दिया तो फिर दोबारा आए ना आए। क्योंकि कभी कभी ऐसे अच्छे संकल्प मनुष्य के मन में पैदा होते हैं कभी कभार, और उसको भी आपने टाल दिया, उसको भी आपने दबा दिया, उसको भी आपने कल पर टाल दिया, टाल मटोल कर दिया। एक विचार जो खो गया वो दोबारा आए ऐसा कुछ जरूरी जीवन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में जो सुख मिलता है, जीवन में जो समृद्धि मिलती है, वो हमेशा के लिए कभी किसी को नहीं मिलता। और यह भी समझिए कि जीवन के साथ में सुख के साथ में दुख भी आएगा। नारायण श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कोई हंसने वाला नहीं था, साथ में जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं था, और मरे तो कोई रोने वाला नहीं था। पैदा हुए तो कोई हंसने वाला नहीं था, जेल में पैदा हुए। नारायण श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष, नारायण पुरुष पैदा होता है, कोई खुशी मनाने वाला नहीं था, जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं था, और मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला। महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे वो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हो, या फिर भगवान महावीर हो, हर महापुरुष के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। आपके जीवन में भी आ सकते हैं, मेरे जीवन में भी आ सकते हैं, किसी के जीवन में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उसके लिए आप मन से तैयार रहिए। हम इतने बेईमान लोग हैं, सुख आता है तो फूल जाते हैं, सुख आता है तो उसकी खुशियां मनाते हैं, दुख आता है तो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सिर्फ इसलिए हम भूल जाते हैं कि सुख और दुख मिलकर के जीवन बनता है। मीठे के साथ बोलिए नमकीन जरूरी है, सुख के साथ थोड़ा सा दुख का होना भी जरूरी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इस सच को समझना होगा, इस सच को स्वीकार करना होगा, इस सच के लिए अपने जीवन में अपनी ईमानदारी से पारदर्शिता से देखना पड़ेगा। सुख का अपना महत्व है, दुख का अपना महत्व है। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का अपना महत्व है।
अंगूठा का अपना महत्व, तर्जनी का अपना महत्व, मध्यमा का अपना महत्व, कनिष्ठा का अपना महत्व, अनामिका का अपना महत्व, पर पांच उंगलियां चाहिए। ये तर्जनी, तर्ज अतीति तर्जनी, ये दुख देती है, ये डराती है, ये धमकाती है, इससे भयभीत होता है, इसको इसलिए इसको तर्जनी कहते हैं। तर्जयती ये डराती है, धमकाती है, इसलिए इसको तर्जनी कहती है, दुख देती है, पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए तर्जनी कहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसको अशुद्ध माना है। इस उंगली से तिलक नहीं किया जाता, माला देते समय इस उंगली का मनका के माला के मोतियों में स्पर्श वर्जित होता है। बीच की उंगली पर माला रख करके और फिर अंगूठा का सहारा लेकर के एक एक मोती अंदर की तरफ आते हैं, इस उंगली को फिर छोड़ दिया जाता है, इसमें अभिमान का वास, इसलिए अशुद्ध है। यह तर्जनी, इसमें अहंकार का वास, इसमें अभिमान का वास, इसलिए इसको अशुद्ध माना। यह डराती है, जब बच्चा बहुत शैतानी करता है तो माँ इस उंगली को नाक पर रख करके रोकती है, बच्चा घबरा जाता है। इसका मतलब सामने वाले में भय पैदा हो जाता है, इससे रुआब झलकता है, इससे इस उंगली को नाक पर रख करके, इस उंगली को नाक पर रख करके सामने वाले से कहिए, सामने वाला घबरा जाता है, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, ये रुआब। बाकी किसी उंगली को रखोगे तो रुआब नहीं आएगा, कभी अंगूठा को रख के कहना नहीं नहीं क्या होगा, सोचिए। किसी भी उंगली को नाक पर रख करके, किसी भी उंगली को मुख पर रख करके आप दुख सामने वाले को दिखाओगे, असर नहीं करेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें रुआब होता है, इससे सामने वाला डर जाता है, ये भयभीत करती है, डराती है, धमकाती है, एक भय पैदा कर देती है। तर्जयती तर्जनी, ये दुख देती है, इसलिए इसका नाम तर्जनी रख। अंगूठा ये ब्रह्म स्वरूप है, तर्जनी ये देव जीव स्वरूप है। ये जीव स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप दोनों मिलती है तो ज्ञान की मुद्रा बनती है। अंगुष्ठ ब्रह्म स्वरूप, तर्जनी जीव स्वरूप, दोनों मिलती है तो ज्ञान का देहन की मुद्रा बन जाया करती है। हर उंगली का अपना महत्व है, तर्जनी का अलग महत्व है, मध्यमा का अलग महत्व है, अंगूठे का अलग महत्व है, अंगूठे का अलग महत्व है, और ये छोटी वाली बचपन में स्कूल में बहुत दिखाई होगी मैडम को, इसका अलग महत्व है और इसका अलग महत्व है, इसका अलग महत्व है और इसका अलग महत्व है। ये संकेत होते हैं, ये भाषा ये शब्दों की भाषा में नहीं होते हैं, ये संकेत की भाषा में हर आदमी इस भाषा को समझ जाता है। पर पांच उंगलियां महत्वपूर्ण है, यही निवेदन मैं आपसे करूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, कि जीवन में सुख के साथ दुख का भी महत्व है, मित्र के साथ दोस्त दुश्मन का भी महत्व है, पड़ोसी के साथ आत्मीय परिजन का भी महत्व है, छाया के साथ धूप का भी महत्व है, पुण्य के साथ पाप का भी महत्व है, और पापी के साथ में संत मुनियों का भी अपना एक अलग महत्व। मन के चरित्र को समझना होगा जीवन की शुद्धि के लिए, जीवन के संविधान के लिए, जीवन के कानून और कायदे के लिए मन के महत्व को समझना होगा। आदमी की आंख सुधर जाए तो आदमी का मन सुधर जाता है। आंख आंख पाप आंखों से प्रवेश करता है, आंख बिगड़ी तो आदमी का मन बिगड़ गया। मन सीधा कभी नहीं बिगड़ता, मन सीधा कभी नहीं बिगड़ता। आपने किसी चीज को देखा, आपको वो चीज पसंद आई, वो पाप आंख से अंदर गया, आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ा तो विचार बिगड़ गया, विचार बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ा तो नाम बिगड़ गया। रावण की सबसे पहले आंख बिगड़ी थी, सीता को देख करके आंख बिगड़ी तो रावण का मन बिगड़ गया, मन बिगड़ा तो रावण का विचार बिगड़ गया, विचार बिगड़ा तो रावण का व्यवहार बिगड़ गया, और व्यवहार बिगड़ा तो रावण का नाम
बिगड़ गया। कोई भी बाप अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। रावण नाम बिगड़ गया। कोई भी हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी माँ बाप अपने बेटे का नाम, कोई भी माँ बाप अपने औलाद का नाम, कोई भी माँ बाप अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। और ना सिर्फ रावण बल्कि रावण के खानदान में जो जो भी हुए उस नाम को कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का नाम नहीं रखता है। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो विचार बिगड़ा, विचार बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ा, व्यवहार बिगड़ा तो नाम बिगड़ा, और नाम बिगड़ा तो पूरा खानदान बिगड़ गया। आंख को सुधार लो, मन खुद ब खुद सुधर जाएगा। आंख को सुधार लो, मन खुद ब खुद सुधर जाएगा। और जीभ को सुधार लो, जीवन खुद ब